वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को हराया है। तमाम रोमांच और विवाद के बीच भोजराज नाग विजयी घोषित किए गए। बेहद नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को 1,884 मतों से शिकस्त दी। लगातार दूसरी बार बीरेश ठाकुर को हराया। वहीं भोजराज नाग को कुल 5,97,624 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को 5,95,740 वोट मिले हैं। इस तरह जीत का अंतर 1,884 रहा। वहीं नाग के कुल वोट का प्रतिशत 47.23 और बीरेश का 47.08% रहा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से एक एक बूथ में जाकर के मेहनत किया गया उसका परिणाम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला संगठन के लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया था, यहाँ का प्रत्याशी बनाया था और पूरे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यकर्ताओं ने इस कांकेर लोकसभा और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिताने के लिए जिस प्रकार से मेहनत किया, इसलिए ये कार्यकर्ताओं की जीत है और क्षेत्र के जनता जनार्दन की जीत है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है और बस्तर क्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद है जिससे मुझे सफलता मिली।